आज हम कक्षा 12वीं में सोफी चंद के जो हमने चैप्टर पढ़े थे उसमें से हम क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है किस हद तक उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों की स्थापित स्थानीय परिपाटी में सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं भारत में इस्लाम के आगमन के बाद होने वाले परिवर्तन शासक वर्ग तथा तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि संपूर्ण उपमहाद्वीप में विभिन्न सामाजिक समुदायों और किसानों, शिल्पियों, योद्धाओं आदि सभी को उन्होंने प्रभावित किया था। मतलब जी बाहर जब बाहर से आए थे तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खान पान, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा आदि की ओर आकर्षित हुए थे। जिस तरह से हम देश में भी देखते हैं कि लोग जो है स्थानीय लोकाचारों का प्रभाव ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन जो स्थानीय परंपराएं एक सार्वभौमिक धर्म को भी प्रभावित करने लगी। जिस तरह से कि जब मुस्लिम आए तो उनके खान पान को हमने अपना लिया, उनके रहन सहन को अपना लिया, उनके पहनावे को अपना लिया, मतलब अपना तो था ही संस्कृति, लेकिन हमने दूसरी संस्कृति भी आसानी से अपना लिया और उन्होंने भी हमारे यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। इसलिए कहा गया कि वसुदेव कुटुंबकम की सभी जाति समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और एक दूसरे की धर्म और जाति को भी आसानी से मानते और समझते हैं और सम्मान देते हैं। इस तरह से जो मस्जिद स्थापत्य क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसमें कि उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली अनेक मस्जिदों का स्थापत स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सराहनीय मिश्रण है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्थानीय जो परिपाटियां हैं वह पर्याप्त दृष्टिगोचर तो होता ही है, साथ ही साथ मस्जिद में अनेक तत्वों जैसे छत निर्माण के कारण उपयोग किए जाने वाले सामान में भिन्नता देखने को मिलती है, और यह भिन्नता जो है प्रमुख कारण है क्योंकि मस्जिदों में स्थापित स्थानीय स्थापत्य परंपराओं को प्रभावित होना और निर्माण करके स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाना, तब जो चीज़ें हमारे पास थी उसका उपयोग करना और उसके साथ साथ स्थापत्य कला है उसका प्रयोग करना। फिर केरल के मंदिर स्थापत्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वहाँ पर केरल में बनाई गई अनेक मस्जिदों की छतें जो शिखर के आकार की हैं। इस प्रकार आधुनिक बांग्लादेश जिस पर मैनसिंह में 1609 में बनाई गई अतिया मस्जिद के गुम्बदों, मीनारों, इस्लामी स्थापत्य कला शैली का प्रभाव जो दृष्टिगोचर होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सभी जगह की जहाँ जिस तरह से नक्काशीदार है स्थापत्य कला है, जिसमें लकड़ी से बना हुआ है और सब्जी जो है नक्काशीदार है, पेपर मैसी से सुसज्जित है, इस तरह से हम उसको देखते हैं। फिर है बेसरिया व बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों स्पष्ट कीजिए, मतलब बेसरिया क्या है और बासरिया क्या है। सूफी पे कई पंथों और सिलसिलों में संगठित था, जिसमें सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जो था जंजीर, जी से मुरीद के मध्य जो एक निश्चित संबंध था वह परिचायक, जिसमें सूफी सिलसिला जो था वह दो भागों में विभक्त था, और अहबसरिया जो था वह बेसरिया का अभिप्राय इस्लामी कानून और सरिया का पालन करने वाले सिलसिले, मतलब इस तरह से उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे जिसका पालन करना उनको आवश्यक होता था। इस तरह से हदीस का अर्थ है पैगम्बर साहब की जुड़ी परंपराएं, जो उनके द्वारा जुड़ी हुई परंपराएं हैं, स्मृति शब्द हैं, क्रियाकलाप हैं, और अरब के बाहर से आए हुए आचार विचार इस्लाम का प्रसार होने के कारण भी क्रियास और सहायक आधार पर तर्क मजमा समुदाय की सहमति से कानून का स्रोत माना जाने लगा, मतलब जो कानून बने उसको ही कानून का रूप ले लिया था। फिर इसमें कुछ एक रूपता है, दोनों सिलसिले एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं और अनुसार अल्लाह ही है सर्वोच्च और शक्तिशाली और सर्वव्यापक, दोनों ही अल्लाह के सामने आत्मसमर्पण बल देते हैं, दोनों ही पीर और गुरु को अत्यधिक महत्व देते हैं, दोनों ही इबादत और उपासना पर अत्यधिक बल देते हैं। इस तरह से अल्लाह की इबादत करने से ही मनुष्य संसार की मुक्ति पा सकता है। और अंतर जो सरिया का पालन करते थे उसी तरह भी सरिया भी बंधे हुए नहीं थे, मतलब इसमें ये था कि लोग उसका पालन करते थे, इसमें वे नहीं करते थे। और बासरिया जो संत थे खाना पाओ में रहते थे और एक पारसी सभ्य जिसका अर्थ आश्रम और खानकाह के पीर सूफी अर्थ, इस तरह से खानकाह के नियंत्रण से पीर और मुर्शिद के हाथों में होता था। इस तरह से खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी और फकीर की जिंदगी व्यतीत करते थे, जबकि उन्हें कलंतर या मलंग यात्री के नामों से भी जाना जाता था। बासरिया के संत गरीबी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते थे, जबकि ये सुल्तानों के अमीरों को मेहदूब से स्थापित करके सूफी संत का पालन करते थे। फिर है अलवर, अनवर और वीर शैवों में किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रमुख है। अलवर और नैवर संतों ने जाति प्रथा में ब्राह्मणों की प्रमुखता का विरोध से आवाज उठाई थी, जैसे कि हम भी आपको पहले बता चुके थे कि उस समय जो था अस्पृश्यता और जाति प्रथा जो उस समय चरम पर था।
जिसमें अलवर और नैनावल संतों की रचनाओं को वेद जीवनी महत्वपूर्ण बताया गया था। और जैसे अलवर संतों के मुख्य काव्य संकलन नारियल दिव्य ब्रह्म का वर्णन जो है तमिल वेद के रूप में किया है, इसी तरह से संस्कृत के चारों वेद में जितना बताया गया वह ब्राह्मण द्वारा पोषित थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा को उन्होंने महत्व दिया। फिर पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने से इनकार किया। ब्राह्मण धर्म जिन आचारों को अस्वीकार किया वैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, वीर शैली को मान्यता प्रदान की। इन सब कारणों से ब्राह्मणों जिन समुदायों के साथ विवाह किया वे वीर शैवों के अनुयायी हो गए और वीर शैव संस्कृत भाषा को त्याग कर कन्नड़ भाषा का प्रयोग करने लगे। उसी तरह से कबीर और बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेश का वर्णन है इस प्रकार से ये संक्षेपण। कबीर के अनुसार संसार में मालिक एक है जो निर्गुण ब्रह्म है, इस तरह से कहा गया था। राम और रहीम को एक ही मानते थे, उसके उनका कहना था कि विभिन्नता में केवल शब्दों का है जिसमें आविष्कार हम स्वयं करते हैं, केवल जो फूल फूल बिन समंदर त्यागी लागी आती है विविधताएं हैं। कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को भी दर्शाती है जो कि सत्य को अलग आदृश्य निरंकार ब्रह्मांड और आत्मन कहकर संबोधित करते थे। इस तरह से इस्लामी दर्शन के प्रभाव से सत्य का अल्लाह खुदा आदरदी पीर कहे जाने लगे। हिंदू और मुसलमानों में धर्म ग्रंथों को ही उन्होंने नकारा। बाबा के अनुसार परम पूर्व रब को ही लिंग और आकार माना। उन्होंने रब का निरंतर स्मरण का नाम जबकि उपासना का आधार बताया। इसी तरह से नियम कुछ निर्धारित किए गए जिससे सामूहिक रूप से पाठ होता था। गुरुपद की परम्परा शुरू की गई जिसका पालन की 200 वर्षों तक होता है। और साथ ही साथ गुरु नानक भी अपने विचार जो पंजाबी में सामने रखा। फिर सूफी संत के मुख्य धार्मिक विश्वासों आचारों में जो सूफी संत थे उनके भी कुछ मत थे धार्मिक और किस तरह से विश्वास था। इस तरह से इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध भी अध्यात्म लोगों रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ झुकाव पड़ा, क्योंकि जिनके साथ अत्याचार होता था वह उनका विरोध करना होता था तो वह संन्यास ग्रहण कर लेते थे। इसी तरह से कुल लोग रूढ़िवादी की परिभाषा में भी प्रभाव हुआ जिसमें कुरान सुन्ना पैगंबर व्यवहार से बौद्धिक व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और आदेशों के लिए पालन पर बल दिया। इसी से पैगंबर मोहम्मद ने इंसानी कामिल मानते थे और अनुसरण करते थे। इसी तरह से और भी जो सूफी संत थे उन्होंने एक संगठित समुदाय खानकाह पारसी युगल स्थापित किया जिसके साथ ही पीर मुर्शीद के हाथ में था और अन्नाई जुटते हुए पार्टी करते थे। इस कड़ी में आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। जैसे कहा जाता है कि जो संत कबीर होते हैं जो दुआ करते हैं और वे उनकी जो दुआएं हैं वह आध्यात्मिक शक्ति के पहुंचती है और उनका दुआ जो है वह लोगों को मिलता है। इस तरह से निष्ठा का वचन देना होता था, सिर मुड़ा का देखड़ी लगे वस्त्र धारण करना, पीर के मृत्यु के बाद उसकी दरगाह फारसी में इसका अर्थ दरबार है जिसमें मुरीदों भक्ति का स्थल बन जाती थी, मतलब जो पीर की मृत्यु हो जाती थी उसको दरगाह के रूप में और उसको बनाया जाता था और भक्ति का स्थल बन जाता था। आप लोग कई जगह देखते होंगे दरगाह बनी हुई, मतलब पीर की मृत्यु के बाद ही वह उनको दरगाह के रूप में किया और ईश्वर पीर एकीकृत ईश्वर से एकीकृत हो जाते हैं ऐसा माना जाता है। फिर आध्यात्मिक और यही कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं और शेख की बलि बली के रूप में आदर करने परिपाटी के रूप में रहस्यवादियों के सूफी सिद्धांत की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आधुनिक नींव रखी गई जिसमें खान का तिरस्कार करने से रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे और निर्धनता और ब्रह्मचर्य के जीवन उन्होंने गौरव प्रदान किया। फिर किस तरह शासकों के नयनवर और सूफी संतों के अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। जो कई शासक थे वो सूफी संतों से भी अपना संबंध बनाने का प्रयास किया। जैसे चोल शासकों ने नयनार संतों के साथ संबंध बनाने पर बल दिया, उनको समर्थन दिया, उनके साथ ही देवीय स्वरूप प्रदान करने के लिए सत्ता प्रदर्शन के लिए चोल शासकों को सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, मतलब उनको पूरी तरह से संरक्षण प्रदान किया गया जिसमें कुछ लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जन भाषाओं में भी गीत रचते और गाते थे जिसको कि मूर्त रूप दिया। अब तमिल भाषा में सेवा भजनों का गायन मंदिरों में प्रचलित किया और कुछ प्रथम संत कवि अपार समंदर और सुंदराग धातु प्रतिमाएं भी एक शिव मंदिर में स्थापित कराई गई, मतलब उस समय जो शिव मंदिर था उसमें कुछ मूर्तियों को स्थापित कराया गया। फिर उसके सूफी संत अनुदान से मिले धन और सामान का इस्तेमाल जरूरतमंदों के खाने कपड़े रहने की व्यवस्था अनुष्ठानों के लिए करते थे और इस तरह से संतों की लोकप्रियता धन निष्ठा और विद्वत्ता के कारण भी जन का समर्थन हासिल करना चाहते थे। और कुछ दिल्ली सल्तनत की स्थापना में भी उलेमा और सरिया लागू किए गए जिसमें की मांग को टुकड़ा दिया गया था। और साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि सूफी संत जो मध्यस्थ के रूप में ईश्वर और लोगों के एक
आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे, क्योंकि लोग जो है सूफी संतों और जो होते हैं उन पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। फिर अध्यात्म प्रयुक्त के लिए 5 स्रोतों का अध्ययन कीजिए जिसमें कि धार्मिक विचार चर्चा की गई। मतलब कुछ स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ चतुर्वेदी और आत्मस्पर्श। मतलब स्रोत जो है इससे ये पता चलता है कि संत जाति व्यवस्था निरर्थक माने जाते थे और जाति पाति के भेदभाव में विश्वास नहीं रखते थे और अपने विचारों को प्रकट करते हुए एक ब्राह्मण अलवर तुरंत विपो और काव्य में लिखा है कि चतुर्वेदी जी अजनबी हैं और उन्होंने अपने प्रति निष्ठा नहीं रखते और अधिक आप हे विष्णु दासों को पसंद करते चरणों में प्रेम रखते हैं। फिर दूसरा स्रोत है शक्ति या भक्ति, शास्त्र या भक्ति। ये स्पष्ट होता है कि अलवर समानता लगातार नैन संतु ब्राह्मणों के जन्म पर आधारित सृष्टि को स्वीकार नहीं किया और उसके साथ शिव में अनुराग और भक्ति ब्राह्मणों के शास्त्र ज्ञान ऊंचा को गोत्र निरर्थक है। ईश्वर की दृष्टि में वास्तविक महत्व शास्त्र ज्ञान और पुत्र कुल का नहीं अभी तो भक्ति और प्रेम का है। इस तरह से उन्होंने जो अलवर थे वो संत विष्णु भक्त थे और नरनाथ संत जो थे वो शिव के उपासक थे। फिर थर्ड स्रोत है एक राक्षसी। एक स्त्री शिव भक्त करई किले अम्यार की कविता में लिखा है कि इससे पता चलता है कि उस समय घर के अंदर रहना, शांत रहना और मधुर वचन बोलना स्त्री स्वाभाविक गुण माने जाते थे, लेकिन कुछ अयम्यम्यान ने स्त्रियों की पारंपरिक जीवन शैली के ग्रहण नहीं किया बल्कि शिव के अपनी आराध्य देवता मानती थी और साथ ही साथ उन्होंने कठोर तपस्या की और उसके साथ स्त्री भक्तों ने समाजिक बलत्याग कर दिया था। इस तरह से किसी भिक्षुणी समुदाय में वह सदस्य भी बनी और उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार किया और स्त्री भक्तों ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को भी स्वीकार नहीं किया और अपने जीवन पद्धति में आगे बढ़े। फिर पांचवा स्रोत, चौथा स्रोत है अनुष्ठान या यथार्थ संसार। मतलब अनुष्ठान और उसके साथ साथ यथार्थ संसार, मतलब अनुष्ठान क्या है और जो यथार्थ संसार है वह क्या है, उसमें फर्क होता है। जैसे कि वासवन्ना द्वारा रचित एक वचन में संबंधित वासवन्ना वीरशैव समाज का संस्थापक थे। उन्होंने जाति ब्राह्मण चालुक्य राज्य के दरबार में एक मंत्री थे। उन्होंने वीरशैव अर्थात शिव के वीर लिंगायत और लिंग धारण करने वालों के नाम बताया। उनके विचार के अनुसार मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार उसका जन्म नहीं अभी तो कर्म होने चाहिए। जिस तरह से महाभारत में भी कहा गया कि अपने कर्म करो और जब जन्म लिया तो अपने कर्म पर आधारित ही जीवन, कर्म के अनुसार ही हमें फल मिलते हैं। इस तरह से भक्ति भाव अधिक बल देते थे और साथ ही साथ परमदेव के अनुसार जो अभी तो भक्ति भाव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है रीति रिवाजों आडंबरों का विरोध करते थे। इस तरह से वासवन्ना ने लिखा था, जब एक पत्थर में बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं, असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो और देवता के सेवक को भजन भोजन परोसने पर खा जाता है। ये कहते हैं कि चले जाओ किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकता उसे व्यंजन परोसते हैं। मतलब इस तरह से यथार्थ का संसार वह है, एक तरफ उसे दूध पिलाते हैं पत्थर का चढ़ाते हैं और यदि वह हकीकत में आ जाए तो उसे मारने लगते हैं, यदि कोई मांगने वाला आता है तो उसे हम खाना नहीं देते हैं और यदि वह प्रतिमा खा नहीं सकती उसे हम व्यंजन परोसते हैं। फिर खंभात का गिरजाघर। खंभात में जो गिरजाघर है उसमें बादशाह का हुक्मनामा का अंश है जिसमें महान मुगल सम्राट अकबर ने 1598 में जारी किया था और फारवाद खंभात के गिरजाघर के संबंध में इससे स्पष्ट है कि उदार धर्म सहिष्णु सम्राट था और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था जिसमें मुस्लिम शासकों के समान धर्म के नाम पर अत्याचार अथवा रक्तपात की नीति का अनुसरण नहीं किया था बल्कि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और संप्रदाय को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए स्पष्ट होता है कि कट्टर मुस्लिम सम्राट भी उदार धार्मिक विचारों के विरोधी थे। इस तरह से आप लोग ये प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसके आप लोग नोट्स अवश्य बनाइए।